सो गाइज वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आई एम डॉक्टर अंकित खंडेलवाल, प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन एनाटॉमी थ्योरी एग्जाम्स। आज का जो वीडियो है दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर द थ्योरी एग्जाम्स, जो प्रॉफ का मेन थ्योरी एग्जाम्स होता है। वाई वाई एन ऑल के लिए कभी और बात करेंगे। सो वेलकम ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल ह्यूमन एनाटॉमी बाय डॉक्टर अंकित, एंड आज आई विल टेल यू अबाउट माई ऑल द एक्सपीरियंसेस राइट फ्रॉम बींग द स्टूडेंट इन फर्स्ट ऑफ एग्जाम, क्लियरिंग MBBS, दैन PG, फाइनली टू प्रोफेसर लेवल। सो फ्रॉम राइटिंग द आंसर शीट टू नाउ चेकिंग द आंसर शीट्स, सो आई एम श्योर यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल। सो जिनको ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है कि हमें ऐसा करना है एंड दे आर कॉन्फिडेंट, दिस वीडियो इज नॉट फॉर देम। जिनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि सर हम लिखते तो हैं पर नंबर नहीं आते हैं, आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। चलिए फिर शुरू करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच। सब कुछ चीज़ें समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहली बात तो हियर इज द फर्स्ट पॉइंट, व्हाई डू यूनिवर्सिटीज कंडक्ट एग्जाम, व्हाई डू यूनिवर्सिटीज। पहली बात तो एग्जाम जो आप दे रहे हो ये होते क्यों हैं। देखो 4.5 साल का कोर्स है, राइट, एंड अगर एग्ज़ाम ना हो बीच में, अचानक से 5 साल बाद आप सारे सब्जेक्ट एक साथ पूछे जाएँ तो ऑब्वियसली बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है कि चेक पॉइंट होते हैं कि बीच बीच में चेक करते रहें कि भाई स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी बात है मेजॉरिटी जो बैच होता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स दे नीड अ पुश, उनको एक धक्का चाहिए होता है। जो टॉप के बच्चे होते हैं वो वैसे ही पढ़ लेंगे, जो बॉटम होते हैं वो वैसे कभी नहीं पढ़ने वाले। जो मेजॉरिटी होती है 80-90% स्टूडेंट्स, उनको धक्का चाहिए। उसके लिए एग्ज़ाम्स बहुत ज़रूरी होते हैं, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम होना, तो इसलिए एग्ज़ाम होते हैं। नाउ देखो मैंने अगला पॉइंट क्या लिखा है, रीड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। ऐसा क्यों आप कहोगे सर एग्ज़ाम में अगर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के चले जाएँ, तो यार तुम्हारा गोल ये सिर्फ एग्ज़ाम पास करना नहीं है, तुम्हारा गोल बड़ा है डॉक्टर बनना है आगे, तुम्हें क्लिनिकल भी चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेशन भी चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट छूट गया तो वो बहुत बड़ा लैक्यून आ जाता है, जो आज नहीं पढ़ पाओगे आगे पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे तुम PG करो या ना करो, ठीक। तो जितना हो सके उतने टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है। हाँ एग्ज़ाम से कुछ दिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, जो PYQs जैसे बोलते हैं, जो लास्ट के 5 ईयर या 10 ईयर पेपर आप देख लोगे, लेकिन जो पूरे जो साल का जो 80-90% टाइम है उसमें जितना हो सके उतना पढ़ो, क्योंकि MBBS का ही टाइम होता है जब आपके पास टाइम है, जब आपके पास एनर्जी है, आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्सेज हैं पढ़ने का, मस्ती के साथ पढ़ने का भी। तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स पढ़ो, क्योंकि आगे आपका क्या, आप नेक्स्ट दोगे एग्ज़ाम, NEET PG दोगे, INICT दोगे, तो उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो एग्ज़ाम्स को हमें पहले तो डर हटाना है, हाय एग्ज़ाम आ रहा है, अच्छी चीज़ है एग्ज़ाम आ रहा है। एग्ज़ाम आने से आपका एक तरह पूरा रिविज़न हो रहा है सब्जेक्ट का और काफ़ी फ़ायदेमंद है आगे के लिए। तो बेस्ट सोर्स क्या है, PYQs, आप अपने कोई आपका सोर्स है ऑनलाइन ऑफलाइन वहाँ देख लो, पुराने पेपर्स मिल जाए देखो, सीनियर्स का हमेशा मिल जाते हैं, सीनियर्स को पकड़ो कि बॉस या मैडम या सर या मैडम कुछ साल पुराने पेपर वो पकड़ा देंगे, दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं, अब तक आपके पास होंगे भी, तो किसी भी ईयर में हो तो PYQs बेस्ट सोर्स होते हैं, आपको पता होता है कि यार ये टॉपिक तो मुझे छोड़ने नहीं है। दूसरी बात यहाँ लिखी कि प्रैक्टिस टू राइट पॉइंट वाइज एंड प्रैक्टिस डायग्राम्स एनाटॉमी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात आजकल ये होगी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उन्हें पूछा ही जाता है पॉइंट वाइज, मतलब राइट अबाउट दिस टॉपिक इन दीज स्पेसिफिक पॉइंट्स, ABCD करके होगा, ठीक। तो बेटर आप जो भी आपको आता है सब पॉइंट वाइज लिखोगे तो बेटर। तो ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। कैसे प्रैक्टिस करोगे, जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो देख लो उस टॉपिक में क्या क्या 5 चीज़ें दी हैं, एक्सेलेंट फीचर दिए होंगे, ठीक है, उसके रिलेशन दे सकते हैं, फिर उसकी लोकेशन क्या है वो दे देंगे, उसकी बार्टियल सप्लाई क्या है, उसकी नर्व सप्लाई क्या है, उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है, उसका जो 4-5 चीज़ें हैं, क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, वो आपके पास, आपके पास 5-6 गिने चुने एनाटॉमी में पॉइंट्स होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं, कुछ उसका टाइप हो गया, तो वो आप सब पॉइंट्स याद रखिए, उसी पॉइंट पर उसको डिस्क्राइब करना है, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर है, कॉम्प्लिकेट करना नहीं है। डायग्राम्स प्रैक्टिस करते रहो, क्यों सर डायग्राम, एनाटॉमी क्या है, बॉडी की ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी में आप याद करो, बचपन में स्कूल में ज्योग्राफी मैप से पढ़ाई जाती थी, मैप से यहाँ पे एग्जाम में मैप ही मिलता था, वैसे ही एनाटॉमी, थोड़ी बहुत तो आपको डायग्राम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब डायग्राम में आगे बात करेंगे कि डायग्राम की लेबलिंग ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो कितना खूबसूरत बना रहा हो। दूसरी बात, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि रीजनेबल या अप्रोप्रिएट आंसर ही दो, वहाँ पर कहानी लिखनी नहीं है आपको मेन एग्ज़ाम में। आपको लग रहा होगा कि यार कुछ भी लिख दें नंबर मिल जाते, नहीं, मैंने बहुत जगह कॉपियाँ चेक करी हैं, बहुत एग्जामिनर्स को देखा भी है, साथ बैठ कर हमने कॉपी चेक करी है, एग्जामिनर्स बेटा
पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पढ़ते हैं और इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, एक नज़र मालूम पड़ जाता है कि आप बस 4-5 सेकंड एक पेपर में, एक पेज में देख लिया, आइडिया लग जाता है इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, बच्चों को कितना आता है। कुछ लोग में और अच्छा टैलेंट होता है, वो देखते ही पहचान जाते हैं, बट मेजोरिटी एग्जामिनर्स देखते पहचान जाते हैं। इसलिए एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज फ्रॉम स्टूडेंट टू फैकल्टी पिछले 10-12 साल से मैं कॉपियाँ देख रहा हूँ, चेक भी कर रहा हूँ, समझ गए। तो आपको राम कहानी इसमें कम से कम लिखनी है। आप जहाँ पे इफ़ यू ट्राई टू आउट स्मार्ट है ना, इफ़ यू ट्राई टू आउट स्मार्ट बैकफायर कर जाता है कई बार, आउट स्मार्ट मत करो, ठीक है। बात आगे करूँगा कि जो जो हम लॉजिकल या रीजनेबल ट्रिक्स लगा सकते हैं वो अलग बात है, बट आउट स्मार्ट करने की गलती मत करो, दैट विल बी अ वेरी बिग गैम्बल, याद रखो। चलो आगे चलो, तो अब एग्ज़ाम हॉल में आ गए भैया, अब हो गई जाता, अब एग्ज़ाम हॉल में आ गए हो, आपने जो है PYQs उठाए थे, आपने कुछ डायग्राम प्रैक्टिस किए, आपने पॉइंट वाइज देखना चीज़ शुरू कर दी, एग्ज़ाम हॉल आ गया। सबसे पहले क्या करना है भाई, पहली चीज़ है पहले रिलैक्स करो यार, मेहनत हो गई है, अब तो आ गया डिलीवरी, मतलब कि आपको जो आप आउटपुट है डिलीवरी करनी है आपने मेहनत की, तो रिलैक्स करो। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है टाइम मैनेज करो, पहली चीज़ है टाइम मैनेज करो। अगर तुम्हारी सारी तैयारी अच्छी है, तुम्हें पेपर भी आता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, पैनिक कर जाओगे एक सेकेंड में, एंग्जाइटी आएगी, सारा का सारा काम ख़राब हो जाएगा। इस वीडियो का मोटिव ये है कि जो जितनी मेहनत करी है उसके हिसाब से नंबर आने चाहिए, सिंपल सी बात है, ये याद रखो। तो पैनिक नहीं करना है, टाइम को टाइम कैसे है? मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मान लो 3 घंटे का पेपर है, एक अप्रॉक्सीमेट लो, मान लो 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का है, तो मुझे पता है यार 1.5 घंटे में मुझे कम से कम 55 से 60 नंबर का पेपर करना है, ये मेरा मोटिव होता था, अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे 1.5 घंटे में 55 से 60 नंबर का पेपर करना है। आज तक एक भी पेपर छूटा नहीं है, ना कभी पैनिक किया है, अच्छे से आराम से पास होते गए हैं, कभी कोई बैक नहीं लगी। और एग्ज़ाम ऐसे दो कि आपको पास होने की मतलब कि टेंशन ना हो कि हाई पास होंगे नहीं होंगे, हाँ कितने अच्छे नंबर आते हैं अलग बात है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ पास तो हो ही जाएंगे, कितने अच्छे नंबर आते हैं उस पर डिपेंड है, पैनिक नहीं होना है। आप टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, ये लॉजिकल कॉमन सेंस वाली बात है, बतानी पड़ रही है, बट हाँ कुछ लोग भूल जाते हैं, उनके लिए बतानी पड़ रही है, बाकी आई होप सबको पता ही है इस चीज़, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो सब पहली चीज़ ये है, अब एग्ज़ाम हॉल में एंटर करो क्या करना है, देखो यार कॉपियाँ चेक करता हूँ मैं, बता रहा हूँ सीक्वेंस में करोगे आंसर अच्छा है, नहीं तो कई बार थोड़ा बहुत इरिटेशन तो होता है, पहला 1 का A है, उसका 3 का B आंसर है, फिर 2 का C है, फिर 1 का C है, फिर 3 का E है, उस तरह से यार बहुत सीक्वेंसिंग में आंसर करो तो अच्छा है। अब सर हमें तो ये जो पहले आ रहे हैं हम वही अच्छे से करते हैं, बिल्कुल सही बात है, अगली लाइन वही है, फर्स्ट अटेम्प्ट योर बेस्ट, जो तुम्हें पहले अच्छे से आता है करो उसको, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में ही रखो। मान लो तुम 1 क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं ABCD, अब तुम्हें A और C और D आता है, B नहीं आता, A लिखो, B के लिए जगह छोड़ दो, कितनी जगह छोड़ दी यार उस हिसाब से, 2 नंबर क्वेश्चन है तो आधा पौना आधा एक पेज, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पेज छोड़ दो उस हिसाब से, और फिर C और D, तो जगह छोड़ते चलो। कोशिश करनी है अटैम्प्ट हर कुछ सारे सवाल करने हैं, चाहे वो कितने अच्छे से आते हो ना आते हो, ठीक है, पहले आप अटैम्प्ट करो जो आपको बेस्ट आता हो, लेकिन स्पेस छोड़ते हो तो एक सीक्वेंस ही बनता जाएगा, और तुम्हारे पास एक वो एक तुम्हारी फ्लो नहीं टूटेगी, बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर मान लो तुमने क्वेश्चन एक आता है अच्छे से, तुमने 1A कर लिया, 1B नहीं आ रहा, तुम उसमें दिमाग लगा रहे हो, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तुम पैनिक कर रहे हो यार टाइम निकल रहा है और कुछ, और इस मेहनत का कुछ फ़ायदा भी नहीं होना है, तो 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में पहले तुम्हें जो कुछ आता है कर लो, या 2 घंटे 15 मिनट में, 2.25 घंटे में जो जो अच्छा अच्छा आता है कर लो, अब बचे तुम्हारे पास 45 मिनट, मान लो 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे अच्छे, अब उन्हें आराम से बैठ के सुकून से कर सकते हो, अब तुम्हें पता है 2.25 घंटे में पास हो चुका हूँ, मैं पास हो चुका हूँ, अब 1.25 घंटा तुम पर टेंशन नहीं है, सीक्वेंस ही बना हुआ है, तुमने जगह छोड़ रखी है, आराम से बैठ के सोच के उसको कर सकते। दूसरी बात, जब आप मान लो पूरे पेपर में आपके थे 15 सवाल, आपको 12 आते हैं ठीक ठाक, 3-4 नहीं आते हैं ठीक ठाक, जब वो 11-12 सवाल आप अटेम्प्ट कर लोगे तो माइंड में कहीं ना वो इतना आप सबकॉन्शियसली सोच सोच के आंसर लिख रहे हो कि हो सकता है वो 3-4 सवाल जो आपको नहीं आते उनका भी कुछ कुछ पॉइंट याद आ जाए, जगह छोड़ते जाओ करते जाओ, सिंपल सी बात है, ये सीक्वेंसिंग बहुत अच्छा रहता है, कई बार हमने देखा है बहुत इरिटेशन हो जाती है, जैसे मैंने तो बताया एग्जांपल, खुद ही इमेजिन करके देखो, तुम खुद ही किसी कॉपी चेक कर रहे हो सब ऊपर नीचे, इसमें गलती जाने अनजाने में हो जाती है, खासकर अनजाने में ही होती है, कोई क्वेश्चन छोटा मोटा पार्ट छूट गया चेक होना, तो 2-3 नंबर उसमें फंस गया, अब ना तुम्हें समझ में आ रहा है कि या तो उसकी तुम रीवैल्यूएशन कराओ, ये तो 2-3 नंबर कहीं ना कहीं रह जाएंगे, कम होता है, रेयरली होता है, बट ह्यूमन एरर हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल, हालांकि बहुत ब्री चेकिंग होती है आजकल, पॉसिबल है बहुत कम,
बट वाई टू टेक चांसेस, सिंपल सी बात है। तो सीक्वेंस में पहले अटैम्प्ट जो कर लो जो अच्छा आता है, बाद में टाइम छोड़ो, जगह छोड़ो, सीक्वेंस में रहोगे सही रहेगा। अगला पॉइंट है किस तरह क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन याद देखो भाई, 3-4 तरह के हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्यूमरेट करने के लिए आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। तुम्हें ये देखना है भाई किस क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कितना लंबा है, मुझे कितना टाइम देना है। अब जाहिर सी बात है, जो क्वेश्चन 10 नंबर का है उसमें तुम ज़्यादा टाइम दोगे, बशर्त जो क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का है। ये नहीं कि मुझे 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है तो मैं सारी कहानी लिख के जा रहा हूँ, उसमें या भावुक होना या इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में देर इज नो पॉइंट इन बींग इमोशनल। मान तुम्हें 3 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो उसमें लगे हो 7-8 पेज लिखे हो, व्हाट इज द सेंस। तुम्हें 3 नंबर 10 तो मिलेंगे नहीं। इसका अच्छा है 10 नंबर वाले क्वेश्चन में कम आता है, उसमें दिमाग लगाओ, कैसे लगाना हो। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, कॉमन सेंस का यूज़ करो, टाइम को सही से मैनेज करो। बता रहा हूँ फिर भी बार बार, टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ हाथ से छूट गई तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, डायग्राम बनाओ। हमेशा कोशिश करेंगे आप लोग, सब लोग की डायग्राम को लेबलिंग करनी है। डायग्राम अच्छा बने, बुरा बने, बहुत भी बुरा बन जाए कोई बात नहीं, एक बार को माफ़ है, मैं माफ़ कर देता हूँ। डायग्राम नहीं अच्छा बनाए, टेढ़ा मेढ़ा बना चलेगा। सही जगह आपने नर्व आर्टरी या उसके इंप्रेशन सब लेबल कर रखे हैं, मसल वगैरह ठीक है, तुम्हें आता है। जजमेंट 1 सेकंड लग जाता है देखते ही, हाँ यार बच्चे को आता है, ठीक है। तो डायग्राम जितना हो सके लेबल्ड करो, लेबलिंग डायग्राम बहुत ज़रूरी है। हाँ, पहले बात हो गई कि आंसर जितने हो सके पॉइंट वाइज में, तो यार ऑब्वियस सी बात है, तुम किसी का पूरा पैराग्राफ पढ़ा रहे हो। मान लो आप सामने, तो आजकल तो सब जमाना है मैसेजेस पढ़ते हो, व्हाट्सएप में या कहीं पर भी मैसेजेस पढ़ रहे हो सोशल मीडिया में, आपको पूरे पैराग्राफ मान लो 50 लाइन का कोई मैसेज है, तो पढ़ोगे 5-6 लाइन बोल जाओगे, उसमें उस दूसरा वही मैसेज वही पॉइंट है, 50 लाइन की जगह उसने जो है 20 लाइन में 20 पॉइंट से या 15 पॉइंट से बता दिया उसने, यार ये 15 पॉइंट है। तो आप मन कर जाएगा, हाँ यार 10 पॉइंट पढ़ लिए, 5 और पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ना रह जाए। साइकोलॉजी है, कॉमन सेंस वाली बात है। तो आंसर जितना हो सके पॉइंट वाइज लिखो, है क्या दिक्कत है, पॉइंट वाइज आंसर दीजिए, डायग्राम को लेबल कीजिए। और जो पहले बताया था, सारे पॉइंट्स कवर करो, सब टॉपिक्स हैं क्वेश्चन के, अगर क्वेश्चन लंबा है सब टॉपिक्स कवर करो, ठीक। दूसरी बात यह है कि आप एनाटॉमी में कोई भी सब्जेक्ट ले लो, क्लिनिकल अप्लाइड ज़रूर लिखनी है आपको जितना हो सके, उसकी बात अभी करेंगे आगे, जो क्वेश्चन नहीं फंस रहा है आपका। डायग्राम बना रहे हो भाई तो कलर्स वगैरह यूज़ करो, उसको कहने की बात नहीं, कलर्स यूज़ करने चाहिए। कौन से कलर्स, आर्टरी में रेड कर लो, वेन में ब्लू कर लोगे, मसल में ब्राउन कर लो, बरसा में पिंक कलर कर लो, नर्व में येलो रखो। तो बेसिक जो कलर आप पढ़ते ही आ रहे हो, कौन से कलर यूज़ करने बेटर रहेगा, ऑब्वियसली बेटर रहता है। अब आता है भाई, कोई क्वेश्चन में तुम फंस रहे हो, क्वेश्चन है कोई 5-6 नंबर का, उसके बारे में नॉलेज अच्छे से आती नहीं है। अब आखिर के 45 मिनट बचे हैं, तुमने 15 में से 12 क्वेश्चन कर लिए, 2-3 क्वेश्चन हैं जो फंस रहे हो, कोई डिफिकल्टी आती है। तो अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है थोड़ा थोड़ा, एटलीस्ट कहीं ना कहीं तुम्हें कुछ तो आता ही है, तो रेलेवेंट टॉपिक के बारे में लिखो यार, उसके आसपास आपने जो याद आ रहा है लिखो। कुछ अगर वो कम आ रहा है तो कुछ क्लिनिकल तो होगा उसका, वो लिखो। और जितना भी आसपास का डायग्राम बना सकते हो लिखो। कई बार क्या होता है कि हमें कम आ रहा है, आप डायग्राम, आपको याद है डायग्राम बनाइए, डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, डायग्राम बनाया आपने, उसी को नीचे आप अगले 5-6, 5 से 10 लाइन में उसी डायग्राम को ही एक्सप्लेन कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल, तो मान लो क्वेश्चन आया आपके पास, पैनक्रियास का क्वेश्चन आ गया, है ना। पैनक्रियास आपको अच्छे से नहीं आती है, अब क्या करोगे, पैनक्रियास आपने डुओडेनम पढ़ा होगा, है ना, किडनी पढ़ा होगा, रिलेशन पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं पैनक्रियास सारी स्टमक बेड में आ रहा है, बनाओ उसको, ठीक है। जब डायग्राम बनाओगे तो अपने आप को याद आएगा कि हाँ यार ये डायग्राम को नीचे एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि पैनक्रियास यहाँ पे लाई कर रही है, स्पेन के नीचे है, है ना, इसकी ये ब्लड सप्लाई होती है, थोड़ी बहुत एम्ब्रियोलॉजी जोड़ सकते हो उसमें, ये यहाँ से आ रही है, पैनक्रियाटिक बड से बनता है, है ना, इसके रिलेशन ये है इसमें। अब कोई भी ऑर्गन इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, हाइटिस लगा दो, पैनक्रियाटिस कर दो, उसकी एम्ब्रियोलॉजी से कोई डिफेक्ट बता दो, तो जो भी कुछ आसपास का आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं आ ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है पूरे साल, फिर तो बात ही ख़त्म है। अगर आपने किताब ही नहीं ढंग से उठाई है, आपने पूरी जो किताब में से आपने टोटल 10% या 5% ही पढ़ा है आज तक, फिर तो नहीं आएगा। मगर आपने पढ़ा है उस समय याद नहीं आ रहा है, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, ये मेजोरिटी स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जो आ रहा है उसे करते जाओ, बीच में जगह छोड़ते जाओ, कि बाद में तुम जब 10-12 सवाल करोगे ना, इतने टॉपिक घूम चुके होंगे, अपने आप आ जाएगा वो। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई क्वेश्चन ब्लैंक जा रहा है,
होता क्या है कई बार कि आप कभी नंबर इतने ख़राब आ जाए कि पास फेल की नौबत आ जाए, कभी भगवान ना करे ऐसा होकर, मान लो कि पास फेल की नौबत आ गई, अगर आपने क्वेश्चन खाली छोड़ रखा है तो एग्जामिनर उसमें से आपको 3 में से 0 ही देने पड़ेंगे। अगर आपने कुछ आसपास का लिखा है तो 1-1.5 नंबर मिल सकते हैं, वो दे भी देते हैं। एक बात याद रखो, एग्जामिनर चाहे आपका इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, सबका मोटिव होता है आपको पास करना, सबका मोटिव आपको पास करना होता है। लेकिन अगर तुम पेपर छोड़ के आ जाओगे तो उसमें 0 से ज़्यादा क्या मिलेंगे। अगर पेपर में सिर्फ अपना नाम और रोल नंबर ही लिखा है, पूरा पेपर खाली है, तो 0 ही आएंगे उसमें, तो 1 नंबर भी कहाँ से आ जाएगा। सोचने वाली बात है, लॉजिकल बात है। तो ये फाइंड, अगर कोई डिफिकल्ट लगे तो इस ट्रिक का आप उपयोग कर सकते हैं। कोशिश रखिए, खासकर लड़कों के लिए खास कर, इतना नीट आईडी रखो यार, वो इतना कई कॉपीज़ होती हैं, देख कर लगता है यार क्या करें। दूसरी बात है, राइटिंग खराब है, स्पेसेस दे दो, कहीं कुछ कैपिटल्स वर्ड यूज़ करो। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हो तो उसे आप कुछ और कलर से लिख सकते हो कैपिटल्स में, अगर राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। जगह दो, बहुत कंजेस्टेड मत करो। तो नीट एंड टाइडी जो है यार, ये बेसिक कॉमन सेंस वाली बात है, उसको रखोगे तो पढ़ा जाएगा। आप सोचो ना, आप एग्जामिनर को क्या करना है, उसको कॉपी आपकी पढ़ने की, पढ़ के नंबर देना, आप पढ़ा ही नहीं आ रहा तो नंबर कहाँ से देगा। ठीक, दूसरी बात है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। एक बार लिख चुके हैं उसी को दोहराए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं कि चलो एग्जामिनर ने बस देखा है कि यार इसने 2 पेज भरे हैं, 5 में से 2.5 तो दे ही देते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने वही 4 लाइन बार बार लिखे जा रहे हो तो मत करो। फाइनली मैं कहूँगा भाई, कुछ भी करो, टाइम को अपने पास रखो, है ना। समय समय सब समय इसमें सब सबसे मतलब अच्छा दोस्त है। एग्ज़ाम हॉल में अगर समय तुम्हारे साथ है तो काफ़ी जंग जीत जाओगे। अगर कहीं दिक्कत भी आ रही है, पैनिक करना नहीं है, पैनिक वैनिक नहीं करना, अच्छे से जाओ। बस एंगजाइटी वही होती है 10 सेकंड की, जब पेपर हाथ में मिलता है, अच्छा अच्छा ये टॉपिक आई, तो बस इतनी 5-10 सेकंड की एंगजाइटी है, उसका तो काम पे लग जाओ। टाइम मैनेजमेंट करो, जो जो आता है पहले ख़त्म करो, डायग्राम्स बनाओ, सब टॉपिक में दो, जो तुम्हें लगा तुम अच्छे समझाया उसको अलग कलर से बना दो। चलो भाई, इतनी सी बात थी एंड में, क्या बोला एंड में, भाई आप सबको ऑल द बेस्ट। सो आई एम श्योर ये टॉपिक बहुत यूज़ आएगा आप सबके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। चाहे आप, आई होप कि ना सिर्फ एनाटॉमी बस किसी भी आप प्रॉफ में हो तो आपको हेल्प करेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल, पढ़ते रहो और अच्छे डॉक्टर बन जाओ। बाय बाय।